गाइस दिस इज भारती सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ट्यूटोरियल विद भारती सिंह। नंबर वन, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक लेमन और चाहिए होगा हल्का गर्म पानी। अब हमें लेमन को बीच में से कट करते हुए हाफ लेमन को इस पानी में पूरी तरीके से आप जानते हो कि लेमन में विटामिन सी होता है और ये हमारे नेल्स को स्ट्रॉन्ग, चमकदार और लंबा करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब हमें हमारे लेमन वाले पानी में अपने नेल्स को 5 मिनट्स तक डिप करके रखना होगा ताकि हमारे जो नेल्स हैं स्ट्रॉन्ग बने और जो वाइट लाइन होती है वो भी हट जाए। लेमन है वो निचोड़ के रखा था, उसको इस तरीके से खोल के हम अपने नेल्स पे रब करना होगा अच्छे से ताकि हमारे नेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और जल्दी से हमारे नेल्स ग्रो हो। मसाज करने के बाद अब हमें हमारे नेल्स को उसी पानी में डिप करके वे साफ कर लेना है। ऐसा करने से हमारे नेल्स में हल्की हल्की जलन होने लगेगी, इसलिए आपको अपने नेल्स पे कोकोनट ऑयल लगा लेना है ताकि हमारी जो जलन है वो कम हो जाए। नंबर टू के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक बाउल और हम उसमें डालेंगे हाफ स्पून के करीब कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे विटामिन ई कैप्सूल्स। दोस्तों आप जानते हैं विटामिन ई कैप्सूल भी हमारे नेल को ग्रो करने में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल है तो आप कोकोनट के स्किप भी कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें इसे मिक्स करना है और इस ऑयल को नाइट में अपने नेल्स पर अच्छे से रब करना है, फिर इसे ओवर नाइट ऐसे ही छोड़ना है एंड फिर सुबह हमें इसे हमारे नेल्स को वॉश कर लेना है। इससे हमारे जो नेल्स का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से सर्कुलेट होने लगेगा और हमारे नेल्स अच्छे से जल्दी जल्दी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे हेयर और हमारे नेल्स में जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो वह बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होते हैं, इससे हमारे नेल्स फास्टली ग्रो होंगे। नंबर थ्री, सबसे पहले हमें चाहिए होगा कोलगेट। दोस्तों आप अपने टीथ्स को तो डेली साफ करते होंगे लेकिन आज हम हमारे नेल्स को भी ब्रश करवाएंगे। टूथब्रश को हल्के से पानी में डिप करते हुए अपने नेल्स को अच्छे से इस तरीके से इस पर रब करना होगा ताकि हमारे नेल्स की जो सारी डस्ट गंदगी है वह साफ हो जाए। दोस्तों कभी कभी हमारे नेल्स हैं जो डस्ट और गंदगी होने के कारण भी ग्रो करना कम कर देते हैं, इससे हमारे नेल्स अच्छे से साफ भी हो जाएंगे और जल्दी से ग्रो भी करेंगे। पाँच मिनट तक नेल्स साफ करने के बाद अब हमें हमारे नेल्स को फ्रेश वाटर में अच्छे से साफ कर लेना है। दोस्तों इसका रिजल्ट काफ़ी इफेक्टिव है और ये हमारे नेल्स को चमकदार और अच्छा बनाएंगे। नंबर चार, इसके लिए हमें चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। हम हाफ टी स्पून के करीब कोकोनट ऑयल लेंगे और अब हमें चाहिए होगा हनी। हमें हनी भी हाफ टी स्पून के करीब लेना है और इस मिक्सचर को अच्छे से
मिक्स कर देना है। इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस डालना होगा। अब इस मिक्सचर से हमें हमारे नेल्स पे मसाज करनी होगी 15 मिनट के करीब। नंबर 5, सबसे पहले चाहिए होगा गार्लिक। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं गार्लिक भी हमारे नेल्स की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी ही फायदेमंद होते हैं। ये गार्लिक की केवल 1 कली लेनी होगी और अब इसको मिडल में से कट कर लेना है। एंड अब हमें इसको हमारे नेल्स पर इस तरीके से रब करना है ताकि जो इसका ऑयल है वो हमारे नेल्स पर अच्छे से लगे। गार्लिक लगाने के बाद हमें हमारे नेल्स को आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो इसका ऑयल है वो हमारे नेल्स अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, इसको फ्रेश वाटर में अच्छे से वॉश कर ले। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।